बढ़ने लगी थी दिल की धड़कने, फिर दो गेंदों में ही खत्म कर दिया धोनी ने पूरा मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों अगर आपको भी CSK टीम की धमाकेदार जीत पसंद आई हो और आप भी CSK की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो पर मात्र 400 लाइक का टारगेट है, जिसे आप सब पूरा कर दीजिएगा। दोस्तों IPL 2022 के 46वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रन से हराकर प्लेऑफ्स में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 202 रन बनाए थे और हैदराबाद के सामने 203 रनों पहाड़ नुमा लक्ष्य रखा था, लेकिन वो 189 रन ही बना सके। हालांकि जब हैदराबाद ने रन चेस शुरू किया तो CSK बैकफुट पर नजर आई। जी हाँ, एक समय तो हैदराबाद की टीम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह भागती हुई नजर आ रही थी। पावर प्ले के 5 ओवरों में ही केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा ने 52 बना दिए थे, लेकिन जब CSK के फैंस की धड़कने बढ़ रही थी तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पूरा मैच पलट कर रख दिया। इस मैच में धोनी की कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने 6 ओवर की जिम्मेदारी युवा मुकेश चौधरी को दी। मुकेश के इस ओवर की पहली 4 गेंदों में 6 रन आए थे, लेकिन 5वीं और 6वीं गेंद पर उन्होंने लगातार 2 विकेट लेकर हैदराबाद के खेमे में खलबली मचा दी। इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने खतरनाक दिख रहे अभिषेक शर्मा को पवेलियन के राह दिखाई और अगली ही गेंद पर उन्होंने राहुल त्रिपाठी का बड़ा विकेट लेकर मैच पलट दिया। मुकेश ने इन 2 गेंदों में जो किया हैदराबाद की टीम ने उससे पूरे 14 ओवरों तक नहीं उबर पाई। मुकेश चौधरी ने अपने कोटे के 4 ओवरों में बेशक 46 रन दिए, लेकिन उन्होंने इस 24 गेंदों में 4 बड़े विकेट और ये सुनिश्चित किया कि CSK की टीम अपनी तीसरी जीत हासिल करे और अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखे। तो दोस्तों CSK की धमाकेदार जीत आप सभी को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।